हेलो दोस्तों, जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। हमारे परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी जो कि वृंदावन पहुँचे। मैं आपको बता दूँ, पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी द्वारा पार्थिव शिवलिंग निर्माण में शिवलिंग बनाकर उनका जो कि रुद्राभिषेक किया। अद्भुत लीला जो कि है हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे होंगे, हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी और श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जो कि पार्थिव जो कि शिवलिंग निर्माण का जो कि वहाँ पे जो कि पूजन कर रहे हैं। अद्भुत लीला है। यही अदा हमारे बालाजी बागेश्वर धाम सरकार जी की लोगों को दीवाना बनाती है। हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी सनातन की अलग जगाने के लिए जो कि जगह जगह जाके दरबार में लगा रहे हैं और उसी के साथ ही साथ ही हिंदू मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं, ताकि जो कि भारत में हिंदुत्व की जो कि अलग जगाया जा सके। इसके लिए गुरुदेव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी अभी जो कि वृंदावन में आए हुए हैं और जो कि आज धाम के लिए भी रवाना हो जाएंगे। और उन्हीं के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम सरकार जी की आगामी कथा भी स्टार्ट होने वाली है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप लोग जरूर एक बार देखें।